साथ धोखा बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी छिलके वाली मूंग दाल की। छिलके वाली मूंग दाल को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह जब आप मूंग दाल का धोखा बनाएं तो उस दाल को अच्छे से धोकर और उसमें लहसुन, मिर्च, अदरक, जीरा और नमक डालकर बारीक पीस लें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे थोड़ा पतला कर लें और साथ ही इसमें हल्दी, हींग और आधा चम्मच तेल मिलाकर गैस पर चढ़ा दें। इसको तब तक गैस पर रखें और चलाते रहें जब तक कि ये एक हलवे की तरह नहीं बन जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता हलवे की तरह। जब ये एक हलवे की तरह गाढ़ा हो जाएगा जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो इसको एक तेल लगी हुई प्लेट में निकाल लें। प्लेट में थोड़ा तेल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फिर नीचे चिपक सकता है, तो इसमें थोड़ा तेल लगा देंगे तो ये प्लेट में नहीं चिपकेगा। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो बर्फ़ी के जैसे टुकड़े काटे जाते हैं वैसे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाए, और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे रख लेते हैं। उसके बाद हम चावल का आटा लेंगे और चावल के आटे में नमक, हल्दी और अजवाइन, पिसी हुई लाल मिर्च और हींग डालकर इसका घोल बना लेंगे जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इसके बाद ये छोटे छोटे धोखे के टुकड़े हैं इनको लपेट कर हम पैन में जो हमने तेल डाला है इसमें हम इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। यूँ तो हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन डीप फ्राई करने के बाद इसकी फूड वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो हम इसे एक हेल्दी फूड बनाने के लिए इसको शैलो फ्राई ही करेंगे। तो अभी हमारा मूँग दाल का धोखा हो गया है तैयार। हम इस पर अच्छे से कटा हुआ धनिया या पुदीना से इसको अच्छे से सजाएंगे और आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर ग्रेवी आप बनाकर उसमें डालकर आप मेन कोर्स में भी इसे खा सकते हैं, लंच में, डिनर में, जैसे भी आप खाना चाहें। तो यही था बस मूंग दाल का धोखा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी।